तो अगर बात करें 3D रियलिस्टिक इन्वायरमेंट्स की, तो हमारी लैंग्वेज में बहुत ही कम है आर्टिस्ट जो जो इस तरह के 3D आर्ट या फिर रियलिस्टिक इन्वायरमेंट्स बनाते होंगे। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं आ गया हूँ और मैं आपको सिखाऊंगा कि 3D आर्ट रियलिस्टिक इन्वायरमेंट्स कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये वाली कैटेगरी सबकी फेवरेट होती है, ऑलमोस्ट सबको पसंद होती है कि नेचर और रियलिस्टिक इन्वायरमेंट्स इस तरह के बना बना पाए हम। तो इसीलिए मैंने इंग्लिश से उर्दू या फिर हिंदी में कन्वर्ट किया है ताकि मैं अपने लोगों से कनेक्ट हो पाऊँ। तो आज की हम इस वीडियो में बहुत ही कूल रियलिस्टिक आर्ट बनाने वाले हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, आपको देख के लग रहा होगा कि ये आर्ट तो बहुत मुश्किल है, ये इसमें तो इतने ज़्यादा पौधे लगे हुए हैं, इतने ज़्यादा फूल लगे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आर्ट ये कुछ ही देर में बन जाएगी और बहुत आसान है ये आर्ट। और चलें चलते हैं ब्लेंडर में और बनाते हैं अपनी आर्ट। ए को प्रेस करो और डिलीट कर दो, डिलीट बटन होगा आपके कीबोर्ड पे, सिंपली आपने डिलीट कर देनी हर चीज़। अब आपने यहाँ से इधर जाना है, एडिट एडिट में जाना है और यहाँ पर प्रेफरेंसेस में जाना है आपने, और आपने जाना है यहाँ पर एरोन्स में। सिंपली यहाँ पर आपने लिख देना है लैंडस्केप, ये देख रहे हैं यहाँ पर मैंने ये इनेबल किया हुआ है। यहाँ पर आपने यहाँ पे इसको एक टिक बटन है, यहाँ पर इसको इनेबल कर देना है, आपने इसको बंद कर देना है। तो आपको यहाँ पर न्यू ऑप्शन मिलने लग पड़ेगी, आपने शिफ्ट ए को क्लिक करना है ताकि आप मैश को ऐड कर पाओ, फिर मैश के ऊपर होवर करना है आपने अपना माउस, और यहाँ पर आप देखेंगे कि लैंडस्केप की न्यू ऑप्शन आ गई है, तो आपने इसको क्लिक कर देना है और आप देख सकते हैं हमारे पास पूरा लैंडस्केप आ गया है, बहुत प्यारा लग रहा है। कहीं और क्लिक नहीं करना आपने, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कहीं और आपने क्लिक नहीं करना, तो नहीं तो ये हमारा ये जो सेटिंग्स है ख़त्म हो जाएगी। सो आपने सिंपली यहाँ पर जाना है, ये ऊपर आपके ऑपरेटर प्रीसेट्स होते हैं, आप इसे खेलें, आपको जो जैसा पसंद आता है वैसे करें, लेकिन मेरी जो फेवरेट है वो है गली। इसको गली को क्लिक करेंगे आप तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा माउंटेन टाइप सा बन गया है। इसको हम और भी एडिट करेंगे थोड़ा सा, अभी बहुत इजी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो भाई मेरे यहाँ पर वाई है, तो मैं यहाँ पर इस मैश साइज वाई को पकड़ूंगा और यहाँ से इसको और आगे ले जाऊंगा, मतलब आपको जितना चाहिए आप उतना कर सकते हैं, आप एक्स एक्सिस में भी कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, लेकिन मुझे नहीं चाहिए तो मैं नहीं करूँगा। यहाँ से आपने कुछ एडिट वगैरह करनी है, जिस तरह यहाँ पर आपको डिस्टोर्शन चाहिए तो आप इसको डिस्टोर्शन कर सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक भी देगा। सो हाइट को मैं करूँगा थोड़ा सा एडजस्ट, हाइट थोड़ी सी कर सकते हैं आप खुद ही एडजस्ट। यहाँ से ऑफसेट को करूँगा मैं, तो ये आप देख सकते हैं नीचे से, नीचे वाली साइड जो सी है वो ऊपर आ रही है, इसको एडजस्ट करें और जो बेहतर लगता है वैसा करें। सो मैंने वाटर प्लेन भी ऐड करना था एक, तो यहाँ पर यहाँ से ही आपको मिल जाएगा वाटर प्लेन भी। यहाँ पर आपको आप क्लिक करेंगे वाटर प्लेन को, तो ये देख सकते हैं हमारा वाटर प्लेन आ जाएगा यहाँ पर। सो हमारा माउंटेन बन गया है। अब आपने सिर्फ इसके रेजोल्यूशन आपने सेट करनी है, ज़्यादा रेजोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपका पीसी जितना सपोर्ट करता है आप उतने हिसाब से कर लें रेजोल्यूशन। मैं 300 कर लूँगा, तो देख सकते हैं आपके रेजोल्यूशन इंक्रीज़ करने से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया क्वालिटी हमारी। हमें इतनी ज़रूरत नहीं है रेजोल्यूशन की, आपको इंक्रीज़ करनी है तो करें, नहीं करनी तो कोई मसला नहीं है, करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर मटेरियल को, ये दूसरे वाले मटेरियल को सिलेक्ट कर लें, तो आप साइड पर क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग खत्म हो जाएगी। आपने ये प्लेन नीचे वाले पर क्लिक करना है, पानी जो हमने बनाया अपना वाटर, आपने इसको ऊपर ऊपर ला देना। मैं अपना प्रोजेक्ट सेव करूंगा, तो अब मैं थोड़ी यहाँ पर रेंडर सेटिंग चेंज करूंगा, यहाँ पे ईवी से साइकिल में करूंगा, सपोर्टेड से एक्सपेरिमेंटल में, और सीपीयू से जीपीयू में। अगर आपके पास जीपीयू है तो आप जीपीयू पे कर सकते हैं, नहीं तो सीपीयू पे रखें। यहाँ से मैं स्काई टेक्सचर ऐड कर दूंगा, पहले ही स्काई टेक्सचर यहाँ से, फिर मैं यहाँ पर जाऊँगा सब डिवीजन सरफेस में, अगर आपको ऐड करना है तो करें, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर सिंपल में जाएं और अडेप्टिव सब डिवीजन, जैसे ही हमने ये एक्सपेरिमेंटल को ऑन किया है अडेप्टिव सब डिवीजन की ऑप्शन आ गई है। तो अब मैं जाऊँगा यहाँ पर textures.com में, मेरी फेवरेट है वेबसाइट, यहाँ पर बहुत ही बेस्ट टेक्सचर मिलते हैं। मैं यहाँ पर ब्राउज लाइब्रेरी को करूँगा क्लिक, आप लॉगिन नहीं है तो यहाँ पर लॉगिन कर लें, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है टेक्सचर, तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कौन सा किया है, आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं, आपको नाम यहाँ पर दिख रहे होंगे, आप नाम यहाँ पर सर्च करके तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप कोई भी रॉक रॉक वगैरह इस तरह की कोई ऑप्शन वगैरह है उसको आप उसको डाउनलोड कर लें, यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर मेरा परचेज आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया हुआ है, यहाँ पर आपके फ्री लिखा होगा उसको आप फ्री को क्लिक करके तो डाउनलोड कर लें टेक्सचर। तो ब्लेंडर में वापस आ जाएँ और मैं इसको अपने माउंटेन्स को क्लिक करूँगा, लैंडस्केप को, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा शेडर में, शेडर एडिटर, अगर आपने यहाँ से
एडोन्स में नोड रैंगलर रैंगलर नहीं इनेबल किया, तो कर लें उसको इनेबल। यहाँ से मैं कंट्रोल शिफ्ट और टी को करूँगा क्लिक, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर डाउनलोड किए हैं टेक्स्चर्स। तो मैं पहले वाले को क्लिक करूँगा, फिर लास्ट वाले को क्लिक करो और प्रिंसिपल टेक्स्चर सेटअप को क्लिक कर दो। फिर मैं यहाँ पर जाऊँगा, तो आप देख सकते हैं हमारा माउंटेन पे थोड़ा टेक्स्चर आ गए हैं। तो मैंने गलती से यहाँ पर नीचे अपने पानी वाले प्लेन पे सब डिवीजन सरफेस ऐड कर दिया, तो मैं इसको हटाऊँगा और अपने माउंटेन्स पर सब डिवीजन सरफेस लगा दूँगा, सिंपल अडेप्टिव सब डिवीजन। फिर उसके बाद आपने मटेरियल टैब में जाना है नीचे, यहाँ पर आपने नीचे जाना है सेटिंग्स में, फिर बम्प ओनली से डिस्प्लेसमेंट एंड बम्प पे करना है आपने। फिर आपने क्या करना है, कंट्रोल ए और अप्लाई स्केल। फिर आपने यहाँ से एक विंडो खोलनी है, यहाँ से यहाँ पर नुक्कड़ में जाएंगे तो प्लस का साइन आ गया, उसे ड्रैग कर लें। फिर यहाँ पर जाना है और आपने यूवी एडिटर में, फिर आपने एडिट मोड में जाना है, टैब को क्लिक करें और एडिट मोड में, और आपने यू और अनरैप कर देना है यहाँ से। तो अनरैप हो गया मेरा और मैं इसको ओवरले बंद करूँगा, और आप देखते हैं हमारा टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। और स्केल करें इसको, काफ़ी ज़्यादा स्केल कर लें इसको। फिर आप यहाँ पर जाएंगे तो इधर स्केल की ऑप्शन आ रही होगी, आपने इसको स्केल डाउन कर देना। तो फिर जैसे ही आप इसको स्केल डाउन करेंगे, आप देख सकते हैं हमारा टेक्सचर और हमारा माउंटेन वापस शेप में आ गया। तो मैं कैमरा जल्दी ऐड कर दूंगा, यहाँ पर शिफ्ट करके कैमरा, और यहाँ पर इधर इधर मैं कहीं ऐड करूँगा कैमरा, कंट्रोल ऑल्ट एंड ज़ीरो, ताकि कैमरा व्यू में आ जाए हम। और मैं यहाँ ही कहीं रखूँगा कैमरा, ठीक है, कैमरा एडजस्ट कर लिया मैंने। और मैं अब यहाँ पर वापस टेक्सचर में जाऊँगा, मैं एक टेक्सचर ऐड करूँगा जिसका नाम है नॉइज़ टेक्सचर, काफ़ी अच्छा टेक्सचर होता है और काफ़ी ज़्यादा जगहों पर यूज़ होता है ये। और मैं इसको करूँगा कंट्रोल शिफ्ट और राइट क्लिक करूँगा, ये डिस्प्लेसमेंट वाले को उठाकर यहाँ पर ग्रीन कलर का आ रहा होगा, इसको मिक्स कर देना आपने, मिक्स कर देंगे इसको, एक्सपेंड करें इसको और फैक्टर को 1 पे कर दें। फिर इसको 30 पे करूँगा मैं, खुद ही एडजस्ट कर लें जिस तरह का अच्छा लगता है आपको वैसा कर लें। डिटेल हाई करता हूँ मैं, टैब में एडिट मोड में जाऊँगा और स्केल करता हूँ इसको मैं। फिर मैं यहाँ से थोड़ा स्केल करता हूँ ताकि थोड़ी अच्छी और डिटेल आए। तो हमारे जो आप देख सकते हैं माउंटेन्स काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और मैं यहाँ से मेटेलिक को हाई करूँगा ताकि थोड़ी डार्क लुक आए, यहाँ से शिफ्ट एक और कलर रैम्प लूँगा मैं, और यहाँ पर इसको रफनेस में लगा दूँगा। फिर आप जैसे ही इंक्रीज करेंगे इसको ब्लैक पोर्शन को, आप देख सकते हैं हमारे काफ़ी ज़्यादा प्यारी लुक आएगी। सो अब टाइम आ गया है हम लोग यहाँ पर पौधे वगैरह ऐड करेंगे, उससे पहले मैं इसके वेट पेंट एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप यहाँ पर जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड से, यहाँ पर आपने वेट पेंट को क्लिक कर देना। अब इसको ओवरले को ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हर चीज़ ब्लू हो गई है एक्सेप्ट द वाटर। मैं थोड़ा साइज का रेडियस बढ़ाऊँगा और आपने यहाँ पर ब्रश करना है, जहाँ जहाँ पर आपने पौधे लगाने हैं वहाँ पर आपने एडजस्ट करना है इसको। और आप कैमरा में जाके देख सकते हैं, अगर आपके जहाँ जहाँ पर आपकी जगह आ रही है आपने वहाँ पर करना है, हर जगह पर करने की ज़रूरत नहीं है, जितने जितने ज़्यादा कम और ज़्यादा हो गए उसे उतनी ज़्यादा डिटेल आएगी। तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा है और मैं वापस मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ गया हूँ। तो मैं इस एप्लीकेशन में आ गया हूँ जिसका नाम है क्विक्सल ब्रिज, फ्री है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से आपने लॉगिन कर लेना, यहाँ पर आपके साइन इन की ऑप्शन आती होगी। सो आपने यहाँ पर सर्च करना है प्लांट्स, तो आप एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर कितने ज़्यादा प्लांट्स मिल जाएंगे, आप इनमें से कोई भी उठा सकते हैं, कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगता है। यहाँ पर आप फ्लावर सर्च करेंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स वगैरह और सारा प्लांट वगैरह आ गए हैं, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिए हैं। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा परचेज में, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा बाय किए हुए हैं। तो मैं ये एक एक करके, आप इसको क्या करेंगे, आपने यहाँ पर इसको डाउनलोड की ऑप्शन आ रही होगी, आपने डाउनलोड क्लिक कर देना, डाउनलोड करने के बाद आप एक्सपोर्ट करना है इसको। आपको अगर नहीं पता कि ब्लेंडर में प्लगइन कैसे ऐड करते हैं तो आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके आप देख सकते हैं। सो मैं सबसे पहले ये वाले ऐड करूँगा रेड कलर के, तो मैं इसको एक्सपोर्ट को क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सपोर्ट हो गया। या मैं दूसरे वाले करूँगा, यहाँ पर प्लस को क्लिक करूँगा, तो आप यहाँ ब्लेंडर में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे चार और ऑब्जेक्ट आ गए हैं। यहाँ पर मैं इनको साइड पर हटाऊँगा, तो मैं एक एक करके क्लिक करके इनको अलग अलग करूँगा, ए को क्लिक करें, जी को क्लिक करके सेट कर दें सबको। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जाऊँगा ये सबसे पहले वाले को क्लिक करें, इसको एक्सपेंड करेंगे यहाँ पर, पहले वाले को क्लिक करके और लास्ट वाले को क्लिक करें और एम को क्लिक करें और न्यू कलेक्शन बना दें, इसका नाम रख दें फ्लावर वन। तो हमने फ्लावर वन की कलेक्शन बना लिया, अब हम जाएंगे यहाँ पर इसको अपने लैंडस्केप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर इधर पार्टिकल सिस्टम में जाकर प्लस को क्लिक करें और हेयर्स और यहाँ पर हेयर डायनामिक में क्लिक कर दें,
फिर यहाँ पर जाएंगे रेंडर में, हमने एक पैथ से कलेक्शन कर देना है, और फिर यहाँ से कलेक्शन हमने सेलेक्ट करनी है फ्लावर जो हमने अभी बनाई है। अब इस जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी जगह पर फैल जाएंगे हमारे पौधे, लेकिन हमें इतनी जगह पर नहीं चाहिए। तो उसका एक ही हल है, हमने जैसे वेट पेंट बनाया था तो हम यहाँ पर जाकर इधर जाएंगे तो वर्टेक्स ग्रुप में क्लिक करेंगे तो डेंसिटी से ग्रुप 1 में चल जाएँ, काफ़ी ज़्यादा पौधे वगैरह आ गए हैं। अब दूसरे दूसरे की बारी, सो अब दूसरे वाले को सिलेक्ट करें, एक्सपेंड करें, पहले वाले को क्लिक करें और लास्ट वाले को क्लिक करें प्लांट और ओके कर दें। फिर यहाँ पर वापस जाएंगे, लैंडस्केप क्लिक करें, वापस जाएं और यहाँ पर प्लस और हेयर डायनेमिक एंड कलेक्शन, फिर यहाँ पर प्लांट को सिलेक्ट कर लें, नीचे जाएंगे ग्रुप। अब इसको सीड को एडजस्ट करें ताकि डिफरेंट शेप में हो और डिफरेंट जगह पर हो। फिर यहाँ से एडवांस को क्लिक करेंगे, आप एडवांस को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रोटेशन की ऑप्शन आ जाएगी, इसको आपने चेक करना है, एक्सपेंड करें इसको और रैंडमाइज को क्लिक कर दें ताकि आपकी रोटेशन रैंडम हो और एक जैसी ना रहे, इसको आप एडजस्ट करें खुद ही, और दूसरे वाले भी इस तरह कर दें। तो फिर हमने तीसरे वाले प्लांट पे जाना है, और मैं कैमरा व्यू में जाऊंगा, आप देख सकते हैं हमारा बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। अब आपने स्केल इनको करना है, यहाँ पर जाएंगे अपनी जो स्केल की ऑप्शन आती होगी, आपने इसको एक एक करके स्केल करना है, यहाँ पर खुद ही एडजस्ट कर लें जिस तरह आपको अच्छा लगता है, जिस तरह आपको फील होता है कि बेहतर है आपने वैसे कर लेना। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे कैमरा के आगे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ये चीज़ें आ रही हैं, तो हमने वापस यहाँ पर जाना है ऑब्जेक्ट मोड से वेट पेंट पे जाना है, और यहाँ पर तो यहाँ पर हमने जाना है और इसको क्लिक करना है और यहाँ पर एफ सबट्रैक्ट को क्लिक कर देना, तो इसे माइनस हो जाएगा। यहाँ पर आप ड्रॉ करें कैमरा के आगे ताकि कैमरा के आगे ना आए, यहाँ पर मैं जाऊँगा और सब यहाँ पर कर दूंगा डिसेबल, और कैमरा के आगे ना आए तो बेहतर है। इधर मैं थोड़े से ऐड करूँगा वापस, तो मैं यहाँ पर ड्रॉ में जाऊँगा और थोड़े से इधर ऐड कर दूँगा ताकि डिटेल अच्छी आए। हम लोग अब जाएंगे रेंडर व्यू में, और मैंने ना एक काम करना है, यहाँ से ये वाला जो पार्टिकल सिस्टम है ना, ये जो बड़े बड़े सामने आ रहे हैं इतने ज़्यादा पौधे, ये मैंने कम करने हैं, तो मैं यहाँ से नंबर यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर 200 काफ़ी है मेरे लिए, 200 से भी आई थिंक मैं कम कर दूंगा, 100 बहुत हैं क्योंकि ये अजीब से लग रहे हैं और मुझे इतने पसंद नहीं आ रहे, तो मैं नंबर कम कर दूंगा। तो ये सबसे पहले वाला जो मेरा पार्टिकल सिस्टम है ये ग्रास था, तो मैं ग्रास थोड़ी सी ज़्यादा लाने जाता हूँ, तो मैं यहाँ पर थोड़ा 5000 शायद कर दूंगा, यहाँ से ग्रुप इनेबल भी कर दूंगा मैं ताकि एक ही जगह पर ज़्यादा ग्रास आए, और मैं यहाँ से थोड़ा स्केल इसको बढ़ा दूंगा। तो जैसे ही आप इसका थोड़ा स्केल बढ़ाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे हर जगह पर ग्रास आ गई हुई है, तो मैं बाकियों को बाकी जो फ्लावर्स वगैरह हैं मैं इनको उठाऊंगा और थोड़ा सा स्केल अप कर दूंगा इनको 0.015, हाँ ये बेहतर लग रहे हैं, तो मैं ये बाकी बाकियों को भी कर दूंगा ताकि थोड़ा सही लगे। तो अब मैं ये प्लेन को नीचे क्लिक करूंगा, पानी वाले प्लेन को, तो मैं पानी ऐड करूंगा, यहाँ पर शेडर में जाएं और न्यू ऐड कर दें यहाँ पर अपना शेडर, और इसको रफनेस को डिसेबल करें, ट्रांसमिशन को इनेबल करें, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक लुक दे रहा है, लेकिन हमें और भी डिटेल चाहिए। तो मस्क्रिप टेक्चर ऐड करूँगा मैं, तो यहाँ पर बम्प नोड ऐड करूँगा मैं, और हाइट को हाइट में, नॉर्मल को नॉर्मल में, तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अजीब सी लुक आ रही है, तो मैं यहाँ से स्केल अप करूँगा जैसे ही, आई थिंक 600 करूँगा मैं, तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक दे रहा है, और मैं डिटेल हाई करूँगा, स्ट्रेंथ को बिल्कुल थोड़ा सा कर दूंगा, बहुत कम कर दूंगा स्ट्रेंथ को, और यहाँ पर मिक्स शेडर ऐड करूंगा एक मैं, और यहाँ पर ट्रांसपेरेंट BSDF इसको यहाँ पर लगाएं, और यहाँ पर BSDF को यहाँ पर शेडर में, तो यहाँ पर मैं आऊँगा तो लाइट पैथ को सर्च करूँगा, लाइट पैथ, तो यहाँ से मैं इस कैमरा रे को लूँगा और यहाँ पर फैक्टर में लगा दूंगा, तो यहाँ पर आऊँगा वॉल्यूम को सर्च करूँगा, वॉल्यूम प्रिंसिपल वॉल्यूम, और यहाँ से वॉल्यूम को उठा के वॉल्यूम में, तो आप देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी अच्छी लुक आ गई है पानी से, और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर आऊँगा ताकि थोड़ा और अच्छा लगे, और आप इसका कलर भी एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर जाएंगे आप इसको थोड़ा डार्क कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको डार्क करूँगा ताकि थोड़ा थोड़ी अच्छी लुक दे, इतना लाइट पानी तो फेक सा लगता है। और अब फाइनली मैं यहाँ से स्काई टेक्सचर को एडजस्ट करूँगा, सन रोटेशन में जाऊँगा, मैं यहाँ से एडजस्ट करूँगा सन रोटेशन, और आपने जिस तरह आपको अच्छा लगता है आप वैसे ही सन रोटेशन रखें, मैं सन एलिवेशन को भी थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा, ये वाली लुक काफ़ी अच्छी लग रही है, और यहाँ से मैं थोड़ा सा सन रोटेशन भी एडजस्ट करूँगा मैं, आप इसको खुद ही एडजस्ट कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगेगा,
और यहाँ पे मैं मैश क्यूब ऐड करूँगा और इसको स्केल अप कर दूँगा। तो अब आप कैमरा व्यू में जाएंगे तो हर जगह पर डार्कनेस हो जाएगी। तो आप यहाँ पर शेयरर में जाएंगे, यहाँ पर इसको डिलीट करते हैं, हमने फोग ऐड करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं सर्च करूँगा वॉल्यूम, प्रिंसिपल वॉल्यूम, और इसको वॉल्यूम को यहाँ पर वॉल्यूम में लगा दूँगा। और अब मैं जब डेंसिटी इसको कम करूँगा, आप देखना काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक देगा, 0.01 और मे बी 0.1। और इसको ऐड करने के बाद आपको फर्दर इसको और आपको एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि आपको वो वाली लुक दे जो आप चाहते हैं। तो मैंने सन एलिवेशन को काफ़ी ज़्यादा एडजस्ट किया है और आप देख सकते हैं, आप यहाँ सेटिंग कॉपी भी कर सकते हैं अगर आपने करनी है। अब आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लुक दे रहा है। अब आप इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करें और सन रोटेशन को भी एडजस्ट कर सकते हैं आप, और देख सकते हैं कि शेरोज़ से हमारे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक आ रही है। तो यहाँ से मैं इसको कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा ज़्यादा बढ़ाऊँगा, कॉन्ट्रास्ट से हाई कॉन्ट्रास्ट में करूँगा, और यहाँ से मैं थोड़ा फोग कम कर दूँगा ताकि ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लग रही है। फोग थोड़ी मैं कम करूँगा, 0.01 कर दूँगा, और यहाँ से मैं कैमरा एंगल भी एडजस्ट करूँगा। यहाँ से आपने ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, अच्छी लुक देगा। फोकल लेंथ को आपने डिक्रीज़ करना थोड़ा सा, और आप जैसे डिक्रीज़ करेंगे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक दे रहा है। आपने जहाँ पर कैमरा सेट करना है आप करें, आपको कैमरा काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक देगा। मैं इसको थोड़ा नीचे मूव करूँगा ताकि पानी आए, क्योंकि पानी से बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छी रियलिस्टिक लुक देता है। तो आप देख सकते हैं हमने काफ़ी ज़्यादा प्यारा रेंडर बना दिया है। तो आप देख सकते हैं हमने थोड़े से ही टाइम में इतनी आसानी से अपना प्रोजेक्ट बना लिया, ना हमने कोई मॉडलिंग वगैरह की है इतनी, और ना हमने कोई ज़्यादा मुश्किल काम किया है। बस हमने पार्टिकल्स वगैरह ऐड करने में थोड़ा टाइम लगाया है, लेकिन बाकी सब बहुत बहुत ईजी था और काफ़ी ज़्यादा आसान था। आप कमेंट करें अगर आपको और भी इस तरह के रेंडर्स वगैरह और भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊँगा। और अगर आपने कुछ सीखा इस वीडियो से और आपको अच्छी लगी वीडियो या फिर रेंडर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अगर आपको प्रोजेक्ट फाइल चाहिए इसकी, तो आप पेट्रियन में चल जाएँ, पेट्रियन ज्वाइन कर लें, आपको सारी प्रोजेक्ट फाइल्स मिल जाएंगी। और प्रोजेक्ट फाइल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर प्रोजेक्ट फाइल ले सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में यही था, सीखते रहो ब्लेंडर और बनाते रहो प्रोजेक्ट्स, और आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।